अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेके आई हूँ चिकन रोस्ट बनाने की रेसिपी। और इसके लिए मैं चिकन लिया है, चिकन लेग ली है। इसको मैंने एक एक काट के इसके ऊपर लगा दी है। और इसमें मैं सबसे पहले ऑयल यूज़ करूँगी। इसमें मैंने स्पाइसेस जो से हैं, पेरी पेरी रब है, लेमन वाला और स्पाइसी वाला। इसके अलावा पपरिका ऐड की है, सॉल्ट और कसूरी मेथी। इसके अलावा गरम मसाले इसमें थोड़े से मैंने ऐड किए हैं। इसके मैं लेमन जूस ऐड करूँगी। इसके अलावा मैं इसमें थोड़ा सा रेड कलर भी यूज़ करूँगी। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा कलर देना अपने हिसाब से, आप रेड कलर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो अपना ये ऑप्शन है इसके लिए कि आप यूज़ करें कि ना करें। तो मैं इसमें हल्का सा बस रेड कलर यूज़ कर रही हूँ। ज़्यादा मैं रेड कलर वाली नहीं बना रही, बस थोड़ा सा इसको कलर दूँगी। इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं अभी जिंजर गार्लिक की 2 टेबल स्पून जो है वो पेस्ट ऐड करूँगी। ये मैंने मसाला इतना इसलिए किया है क्योंकि मुझे इसके चिकन के साथ मैंने आलू को भी रोस्ट करना है, तो उसके लिए भी मैंने यही मसाला जो है ना वो यूज़ करूँगी। तो ये मैंने जिंजर गार्लिक की पेस्ट ऐड की है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इसके बाद चिकन को एक एक करके लगाऊंगी मैं। अब मैं चिकन को एक एक करके, चिकन के पीस को ये मसाला लगाऊंगी। आप अपने लिहाज से अगर ज़्यादा स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप स्पाइसेस अपने लिहाज से ऐड कर सकते हैं। ये हमारे मसाला लगा लिए है मैरिनेट होने के लिए। हम इसको जितने घंटे रखेंगे उतना हमारा ये ज़्यादा मज़े का बनेगा। और ये बाकी जो रोस्ट का मसाला बचा था तो वो मैं आलू मैंने काट लिए हैं, उसमें मैं ये ऐड कर दूंगी। और अच्छी तरह से मिक्स करके रोस्ट के साथ, चिकन के साथ मैं आलू को भी पकने के लिए रख दूंगी ओवन में। यहाँ पे हमारे आलू का मसाला भी लग चुका है। अब हम ट्रे लेंगे तो इसमें एक एक करके जो मसाला लगा हुआ हमारे चिकन लेग हैं, ड्रम स्टिक हैं, उनको रखेंगे। पहले सबसे थोड़ा सा मैं कुकिंग ऑयल यूज़ करूँगी। मैंने मसाला बनाते हुए उसमें भी ऑयल यूज़ किया था। इसके अलावा मैं ट्रे में थोड़ा सा ऑयल और ऐड करूँगी ताकि चिकन हमारा जो है ना वो नीचे ना लगे। तो अब एक एक करके हम इस तरह रखते जाएंगे। और ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है और आप कैसे बनाते हैं, स्पाइसेस कौन कौन से ऐड करते हैं। इसमें आप ऑप्शन है कि आप योगर्ट वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने योगर्ट नहीं यूज़ किया। मैं इसी तरह मैंने ऑयल और लेमन जूस ऐड किया है। आप चाहें तो इसमें योगर्ट भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह मैंने ये चिकन लेग पीस रखे हैं एक साइड पे, दूसरी साइड पे मैं जो से ना आलू रख रही हूँ ताकि दोनों चीज़ें अच्छी तरह से पक जाएं और चिकन का जो सूप होगा वो आलुओं में भी ऐड हो जाएगा। तो ज़रा टेस्ट इनका बहुत ही मज़े का और टेस्टी बन जाएंगे ये। तो अब इसको हम ओवन में रखेंगे और साथ साथ चेक करते रहेंगे हमने किस तरह इसको जब तक पकता है तो इसको चेक करते रहेंगे। दूसरी ट्रे में मैं इसी तरह जो लेग पीस बच गया वो ऐड करूँगी, रखूँगी। और जो आलू हैं वो भी इसको रख के और फिर इसको ओवन में रख देंगे। ओवन ऑलरेडी हमने प्री हीट करके रखा हुआ है, तो जैसे ही हम ये रख लेंगे चिकन और आलू वगैरह तो इसको हम ओवन में रखेंगे। और ये हमने ओवन में रखे थे तो कल ही ऊपर लगा के रखे थे चक, ताकि हमारी जो चिकन है वो सॉफ्ट सी बने। अगर इसको ऊपर से कवर नहीं करेंगे, डायरेक्ट हीट लगती रहेगी तो वो सख्त से हो जाएंगे। ये हमारी रोस्ट तैयार है। ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़।